हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं कि कैसे आपको रिफ्लेक्शन किसी भी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आता है तो कैसे करना है। क्योंकि तो यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला टाइप इक्वेशन टाइप बना के बता रही हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अगर हमें करना है, एक्स एक्सिस करना है मतलब एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि रिफ्लेक्ट द गिवन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। वाई इक्वल टू ज़ीरो मतलब अबाउट एक्स एक्सिस आपसे कह रहे हैं रिफ्लेक्शन करने के लिए। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर इमेज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अगर हमें अबाउट एक्स एक्सिस करना है तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, उसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अगर हमें अबाउट एक्स एक्सिस करना है तो पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू पी पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो पी डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश वन, क्योंकि हमने होमोजीनियस टू डायमेंशनल होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि किस टाइप से हम होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एक्स के होते हैं, सेकंड वाले वाई के होते हैं और थर्ड वाला तो हमारा वन वाला होता है। जब आपको एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर आपको ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना है तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो जो प्लस एक्स वाई थे वो अब क्या हो गए, प्लस एक्स माइनस वाई, यानी एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक्स को अगर हमें एक्स वाई और वन के टर्म्स में लिखना है, जैसे हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स प्लस ज़ीरो इंटू वाई प्लस ज़ीरो इंटू वन। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो। वाई को माइनस करना है तो वाई को माइनस करना है, इसका मतलब इसमें एक्स का कोफिशियंट नहीं है तो ज़ीरो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस वाई का कोफिशियंट क्या है, माइनस वन इंटू वाई, प्लस ज़ीरो का वन का कोफिशियंट नहीं है तो ज़ीरो इंटू वन। तो हमारी सेकेंड रो में क्या आ जाएगी एंट्री, ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो। थर्ड रो हमारी कौन सी होती है, वन की, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस वन इंटू वन, तो ये हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन। हमारी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो जाएगी रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। और पी डैश हमारा क्या होता है, एक्स डैश वाई डैश वन, और पी पॉइंट क्या होता है, एक्स और एक्स वाई वन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट करना हो तो ये इस टाइप से लिखना और सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे ओरिजिनल पॉइंट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई में। तो अगर पॉइंट है वन थ्री तो वो क्या हो जाएगी, वन माइनस थ्री। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्व करके बताना है। सिमिलरली अबाउट वाई एक्सिस अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लस एक्स वाई अब किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। माइनस एक्स को हम कैसे लिखेंगे, माइनस वन, वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है और वन का कोऑर्डिनेट भी नहीं है, और इस वाई को कैसे लिखेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई का कोऑर्डिनेट है वन, और ज़ीरो आ जाएगा। और वन को हम कैसे लिखते हैं, ज़ीरो ज़ीरो वन, और ये पी पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी हम अबाउट वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर पॉइंट होती वन थ्री तो वो हो जाती माइनस वन कॉमा थ्री। रिफ्लेक्शन करना है किसी लाइन वाई इक्वल टू एक्स के लिए, तो अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स में क्या होता है कि अगर हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम उसे रिफ्लेक्ट करें यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री जो मैंने आपको सर्कल में भी बताई थी, उसमें क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है। एक्स और वाई रहना तो पॉजिटिव ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो वाई बन जाएगा और जो वाई था वो एक्स बन जाएगा, एंड एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स किस में चेंज हो जाएंगे, वाई कॉमा एक्स में। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा वाई और सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स, यानी इस रो में हमें वाई के लिए इक्वेशन लिखनी होगी। तो वाई के लिए लिखेंगे तो ज़ीरो एक्स प्लस वन वाई प्लस ज़ीरो वन, इसका मतलब है वाई का कोफिशियंट यहाँ पर वन आएगा। और इस वाली रो में हमें क्या लिखना होगा, एक्स वाला, तो एक्स के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस ज़ीरो वन, तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो। और वन के लिए तो हम लिखते ही हैं ज़ीरो ज़ीरो वन, बाकी पी डैश भी वैसा ही रहेगा और पी भी वैसा ही रहेगा। तो अगर पॉइंट होती वन थ्री तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, थ्री वन। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब ये लाइन यहाँ से आ रही है,
ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसी की तरह बनानी है, बट यहाँ पर आपको माइनस साइन लगा देनी है दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में, यानी आपको एक्स को भी नेगेटिव कर देना है और वाई को भी नेगेटिव कर देना है। रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन या रिफ्लेक्शन अबाउट 180 डिग्री या फिर अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एक्स और वाई प्लस थे, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या हो जाते हैं, माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है, यानी एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई भी नेगेटिव हो जाएगा के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही एक्स को भी नेगेटिव लिख लिया, वाई को भी नेगेटिव लिख लिया। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेना।